بسم الله الرحمن الرحيم. उनकी समात में शिकस्तों के जलते लम्हे और किरणों का बेनवा करब डालने लगे थे। उनकी आंखों में कतरा कतरा जहर टपकाता खौफ उन्होंने बरकर रख दिया था। खुले समंदर में अंदरी अधूरिया और हुकल को खैरुद्दीन बारबरोसा, तरहूत, हसन करसू, काकाद, स्वाले और हसन के मुकाबले में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और अपने बचे कुचे लश्कर को महफूज करने के लिए दूरिया और हुकल दोनों भाग खड़े हुए। इस भाग दौड़ में जहाँ खैरुद्दीन बारबरोसा और उनके साथियों ने उनका कुछ कतलेआम भी किया बल्कि उनके जहाजों और कश्तियों पर भी कब्जा कर लिया। इस तरह खुले समंदर में अंदरी अधूरिया और हुकल दोनों को खैरुद्दीन बारबरोसा के मुकाबले में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा था। दूरिया और हुकल दोनों ही ख्याल कर रहे थे कि वो खैरुद्दीन बारबरोसा और उसके सरदारों से जान बचाकर भाग निकलने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उस वक़्त उन्हें इंतहा की हैरत हुई जब खुले समंदर के अंदर उन्हें एहसास हुआ कि खैरुद्दीन बारबरोसा बड़ी तेजी से उनके ताकुब में लगा हुआ है। उसकी छोटी बड़ी कश्तियां बड़े जहाजों के साथ बड़ी तेजी से पेशकदमी कर रही थी। दूरिया और हुकल खौफजदा हो गए। उन्होंने समंदर के अंदर अपना रुख बदला। इस तरह वो ये चाहते थे कि बारबरोसा अपने मलाहों के साथ उनके ताकुब में लगा हुआ था या वो किसी और सिमत का रुख कर रहा था। अब उन्होंने रुख बदला तो उन्हें कुछ सुकून हुआ, इसलिए कि खैरुद्दीन बारबरोसा उनके पास आया था। उसने अपना रुख बदल लिया था और वो अपनी बहरी बेड़े के साथ इटली का रुख कर रहा था। आबनाए खीना से गुजरा जहाँ हमेशा मदोजजर रहते थे। उसने सबसे पहले इटली शहर को अपना हदफ बनाया। शहर पर वो हमला आवर हुआ। शहर के अंदर जो मुहाफ़िज लश्कर था उसे मौत के घाट उतार दिया। शहर की उसने ईंट से ईंट बजा दी। शहर की सारी दौलत समेटकर अपनी बहरी जहाजों में उसने मुंतकल कर दी थी। इसके बाद उसने इटली में मजीद पेशकदमी की और अपनी सिर्फ 18 कश्तियों से इटली और शहर जगराचत पर हमला आवर हुआ। उन 18 कश्तियों ने सहली शहर में तबाही मचा दी। उसे जो कुछ मिला उसने अपनी जंगी कश्तियों में मुंतकल कर दिया। इस पर वो अतालिया साहिल पर दूर तक जहाँ मौका मिला उतरता और दावा बोलता चला गया था। यहाँ तक कि वो इटली के साहिल पर बिला रोक टोक यलगार करता हुआ शहरों को लूटता, तबाही और बर्बादी का खेल खेलता, समंदर के तूफान की तरह अपने सामने आने वाली हर शय को रोनता हुआ इटली के शहर फोंदी जा पहुँचा। यहाँ उसने रातों रात अपने लश्कर का एक हिस्सा साहिल पर उतारकर फोंदी को लूट लिया। यहाँ यूरोप की हसीन तरीन लड़की जूलिया गोंजागा रहती थी। जूलिया गोंजागा खोलोना खानदान के एक अमीर की बेवा और अरागोन की बहन थी। इटली के इश्क निगार शोरा ने उसके हुस्न की तारीफ में कसीदे के कसीदे डाले थे। जूलिया भी इसी कदर तहसीन की मुस्तहिक थी क्योंकि उसका हुस्न जमाल और उसकी कशिश एक मिसाली हैसियत रखती थी। कहते हैं फोंदी पर जब बारबरोसा ने हमला किया और ये हमला क्योंकि रात के वक्त हुआ था, जूलिया के खुदाम ने जब उसे मुसलमानों के इस हमले के खतरे से आगाह किया था, बस उसे इतना वक्त मिला कि बिस्तर से उठकर एक बेजीन घोड़े पर सवार हो गई और रात के अंधेरे में घोड़ा दौड़ाती हुई दूर निकल गई थी। यूरोप के बाज लिखने वालों का बयान है कि जूलिया सिर्फ शब ख्वाबी का लिबास पहने हुई थी। बाज का कहना है कि उसके जिस्म पर एक तार भी न था। मालूम नहीं असल वाकया क्या था। उसके हम रकाब उसका एक मुअज्ज़ज मसाहिब था जिसे बाद में जूलिया के खानदान वालों ने कत्ल कर दिया, इसलिए कि उसने जूलिया को बरहना हालत में देख लिया था। खैरुद्दीन बारबरोसा की इटली पर हमले और उसके कई शहरों को तबाह और बर्बाद कर लेने से यूरोप के अंदर एक हलचल सी मच गई थी। शाही दरबारों में लोग मुश्तहिल हो गए। यूरोप वालों का कहना था कि इटली पर हमला करके खैरुद्दीन ने एक तरह से यूरोप के कान पकड़ कर खींच लिए हैं। जब तक अहले यूरोप इटली पहुँचते उस वक़्त तक बारबरोसा अपना काम मुकम्मल कर चुका था। मुख्तलिफ ममालिक ने जब अपनी बहरी बेड़े रोमतुल कुबरा की हिफाजत के लिए रवाना किए तब तक बारबरोसा अपना काम खत्म करके रोपोश हो गया था। फिर वो अपनी जंगी जहाजों और कश्तियों को बड़ी तेजी से वापस अफ्रीका का रुख कर रहा था। दोबारा वो उस जगह आया जहाँ पर उसने हुकल को शिकस्त दी थी। ये दिन का वक्त था। वक्त गुजारने के लिए वो समंदर के किनारे सरगर्दा रहा। शायद वो रात के वक्त किसी और इंतहाई अहम मुहिम की इब्तिदा करना चाहता था। दूसरी जानब अफ्रीका हस्पानिया वालों का हाकम और सालार भी आलात का जायजा बड़ी गहरी निगाह से ले रहा था। उसे दूरिया और होकल के बारबरोसा के खिलाफ समंदर में उतरने की इत्तिला मिल चुकी थी। वो पुर उम्मीद था कि जितना बड़ा बहरी बेड़ा अंद्रिया दूरिया लेकर आया था उसका मुकाबला करना खैरुद्दीन बारबरोसा के बस की बात नहीं। लिहाजा उसे 100% यकीन था कि दूरिया के हाथों खैरुद्दीन बारबरोसा और उसके साथियों की शिकस्त यकीनी है।
लेकिन जब रात के वक्त उसे ये खबर पहुंची कि हस्पानिया के बहरी बेड़े को खुले समंदर के अंदर खैरुद्दीन बारबारोसा ने बदतरीन शिकस्त दी है और हस्पानिया के बहरी जहाजों और कश्तियों पर भी उसने कब्जा कर लिया है, तब मून खेट के पांव तले से एक दफा जमीन खिसक कर रह गई थी। वो भूचाल और जलजले का शिकार हो गया था। वो उम्मीद भी नहीं कर सकता था इतने बड़े बहरी बेड़े को खैरुद्दीन बारबारोसा शिकस्त से दोचार कर देगा। उस रात खैरुद्दीन बारबारोसा और उसके साथियों ने एक और काम कर दिखाया। शाम से पहले ही पहले उन्होंने अंद्रिया दूरिया और होकुल को बदतरीन शिकस्त देकर उन दोनों का ताकुब भी किया। फिर समंदर के अंदर सरगर्दा रहते हुए वक्त गुजारते रहे। रात जब गहरी हो गई तो तूफानी अंदाज में वो साहिल की तरफ बढ़े। अपने मस्कन वापस आने के बजाय बारबारोसा ने त्यूनस का रुख किया था। आधी रात के करीब अपनी बहरी बेड़े को साहिल पर लंगर अंदाज किया। फिर उसने त्यूनस के हुक्मरान मौलाए हसन पर शबखून मारा। ये ऐसा शबखून था जिसको मौलाए हसन बर्दाश्त न कर सका। त्यूनस का हुक्मरान, जिसने हर वक्त हस्पानिया वालों का साथ दिया था, रात के वक्त उस हमले ने उसे बौखला कर रख दिया था। उसने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि हमला आवरों को रोके, जवाबी कार्रवाई करे, लेकिन जब उसे और उसके साथियों को ये खबर हुई कि उन पर शबखून मारने वाला खैरुद्दीन बारबारोसा और उसके साथी हैं, तब हसन के तहत जो लश्करी काम कर रहे थे वो बददिल हो गए और बहुत से रात की तारीकी में अपनी जाने बचाने के लिए भाग खड़े हुए। जिन्होंने मजाहमत करने की कोशिश की उनका खैरुद्दीन बारबारोसा और उसके मलाहों ने खात्मा कर दिया था। त्यूनस का हुक्मरान हसन अपनी जान बचाकर फरार और रोपोश हो गया था। किसी को कुछ खबर न थी कि वो किधर गया। ताहम सुबह का सूरज जब तलू हुआ तो उसने देखा कि त्यूनस पर खैरुद्दीन बारबारोसा का कब्जा हो चुका था और दोपहर तक ये खबर मूनखेट तक भी पहुंच चुकी थी। मूनखेट पहले ही खुले समंदर में हस्पानिया के बहरी बेड़े की शिकस्त पर परेशान और फिक्रमंद था और जब उसे उसकी तिलाया घरों ने ये इत्तला दी कि रात के वक्त खैरुद्दीन बारबारोसा ने त्यूनस पर शबखून मारा और त्यूनस के लश्कर को तहतेह करके त्यूनस पर कब्जा कर लिया है और त्यूनस के बादशाह हसन का कोई पता नहीं वो किधर चला गया है, तब इस खबर ने मूनखेट की कमर तोड़ कर रख दी थी। एक रोज खैरुद्दीन बारबारोसा अपने सारे छोटे बड़े सालारों के साथ बैठा हुआ था। ये समंदर का किनारा था और सब साहिल की रेत पर बैठे जो सामान हसन करसू और काकाद लेकर आए थे उस पर गुफ्तगू कर रहे थे। अचानक खैरुद्दीन बारबारोसा ने मौजू बदला और अपने साथियों को मुखातब करके कहने लगा, मेरे साथियों, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि अब अफ्रीका में हमारी हालत काफी मजबूत और मस्तहकम हो चुकी है। कोको का हुक्मरान इब्न काजी खत्म हो चुका है। त्यूनस के हसन को शिकस्त देकर हमने त्यूनस पर कब्जा कर लिया है। अब हमारे सामने जो बड़ी कुवतें अफ्रीका में रुकावट बन सकती हैं, वो तिलमसान का हुक्मरान अबू हमू और बरबरों का हुक्मरान हफ्सी रहते हैं। जहाँ तक सुगरा कबाइल के दूसरे बड़े सरदार अहमद बिन काजी का ताल्लुक है तो उससे कबाइल सुगरा का सरदार अब्दुल अजीज खुद ही निमट लेगा। इस वक्त मैं तीन मौजूआत पर तुमसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अवल ये कि आज ही मैं एक कासिद कबाइल सुगरा के सरदार अब्दुल अजीज की तरफ रवाना कर रहा हूँ और उसको ये मशवरा दे रहा हूँ कि उसके पास जिस कदर मुसल्ला जवान है उनके साथ वो अहमद बिन काजी पर हमला आवर हो और हर सूरत में उसे मुसलमान कुवतों का फरमाबरदार बना कर रखे। दूसरा मौजू ये है कि इस वक्त हमारे पास अस्करी ताकत भी खूब है, लिहाजा बारी बारी तिलमसान के हुक्मरान अबू हमू और बरबरों के सुल्तान हफ्जी पर जरब लगाई जाए और उन्हें भी अपना मुती बनाया जाए। तीसरा मौजू इन दोनों मौजूद से ज्यादा अहम है और वो ये कि इस वक्त हमारे पास बड़े जहाजों के अलावा छोटी बड़ी कश्तियां भी काफी हैं। पिछले दिनों हस्पानवी अमीर अलबहर दूरिया के खिलाफ जो जंग हुई उसमें हम अपनी सारी कश्तियों को हरकत में नहीं लाए थे। मैं चाहता हूं कि कुछ कश्तियों को हम ऐसी जगह महफूज कर दें कि जब हमारे हालात नामवाफिक हों या खुदा न करे हमारे बहरी बेड़े को नुकसान हो तो इन महफूज की हुई कश्तियों को निकाल कर हम एक बार फिर दुश्मन के खिलाफ हरकत में आ सकें। खैरुद्दीन बारबारोसा यहाँ तक कहने के बाद खामोश हुआ, कुछ सोचा, फिर अपने पहलू में बैठे आलमे इस्लाम के रजले अजीज और अजीम अबीर अलबहर तरगूत की तरफ देखते हुए कहने लगा, तरगूत मेरे भाई, तुम जंगों का ही नहीं समंदर के भेदों का भी गहरा तजर्बा रखते हो। जो तजवीज कश्तियों को महफूज करने की मैंने पेश की है क्या इससे तुम इत्तेफाक करते हो? बारबारोसा के इस इस्तफसार पर तरगूत के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमोदार हुआ। फिर वो कह रहा था, मेरे भाई, तुमने मेरे दिल की बात कही है। मैं खुद चाह रहा था कि अपनी छोटी बड़ी कश्तियों को छुपा कर महफूज कर दिया जाए और कश्तियों को महफूज करने का एक तरीका कार भी मेरे जहन में है। तरगूत के इन अल्फाज पर खैरुद्दीन बारबारोसा चौंका, पूछने लगा,
वो क्या तरीका है मेरे भाई? इसलिए कि मैंने भी कश्तियों को छुपाने और महफूज करने का एक तरीकाकार वजह कर रखा है। तरगूत मुस्कुराते हुए कहने लगा, जो तरीकाकार मैंने सोचा है वो इस तरह है कि कुछ कश्तियों को, जिनमें ज्यादातर बड़ी कश्तियां हों, उसे रस्सों से बांध दिया जाए जो समंदर में डूबने के बावजूद भी खराब नहीं होते, और फिर उन कश्तियों को समंदर के किनारे उस जगह डबो दिया जाए जहाँ पानी खूब गहरा हो, और फिर जिन रस्सियों के साथ ये कश्तियां बंधी हुई हों उन्हें किनारे के अतले पानी की तरफ लाया जाए, और फिर किनारे पर इस कदर गहरे गड्ढे खोदे जाएं कि जिनके रस्सों के साथ डूबी हुई कश्तियां बंधी हुई होंगी वो ना पानी में दिखाई दे ना ही खुश्की पर। जो गड्ढे खोदे जाएं उनके अंदर खूंटे नसब किए जाएं और उन खूंटों के साथ रस्सों को बांधकर उनके ऊपर रेत डाल दी जाए, और रस्से का वो हिस्सा जो समंदर से बाहर निकलकर खुश्की की तरफ आए उसे भी गहरी खाई में दबा दिया जाए। इस तरह किसी को खबर नहीं होगी कि हमने कहां कश्तियां महफूज की हैं, लेकिन अपनी याददाश्त के लिए जहां कश्तियां डबोई जाएं उसके सामने किनारे पर कोई शनाख्ती निशान जरूर छोड़ना चाहिए। तरगूत जब खामोश हुआ तब तौसीफी अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए बेपनाह खुशी के इजहार में खैरुद्दीन बार भरोसा कह रहा था, तरगूत मेरे भाई, कसम काबा के रब की, तूने वो बात कही, तूने वो तदबीर बता दी जो मेरे जहन में थी। जो तरीक़ाकार तुमने बयान किया है बिल्कुल इसी तरह मैं भी फालतू कश्तियों को समंदर के अंदर महफूज करना चाहता हूँ। इस तरीका से क्योंकि हमारे साथियों को भी आगाही हो गई है, लिहाजा उठो, बुरे वक्त और इंतहाई अहम जरूरत पूरी करने के लिए इन कश्तियों को समंदर के अंदर महफूज कर दें। इसके साथ ही सब सालार उठ खड़े हुए। साथ ही खैरुद्दीन बारबारोसा के हुक्म पर बहुत से माहीगीरों को वहाँ बुलाया गया, और आन की आन में कई कश्तियों को रस्सों से बांधकर और समंदर के किनारे गहरे गड्ढे खोदकर उनमें कोंटे ठोंक कर कश्तियों को समंदर के अंदर डबोकर महफूज कर दिया गया था। हस्पानिया का शहंशाह चार्ल्स एक रोज बार्सिलोना की बंदरगाह पर सात मुल्कों के बहरी बेड़ों का जायजा लेने के बाद बंदरगाह के किनारे एक इमारत में अपने अमीर अलबहर के अलावा कजाकों के सरदार और कुछ दीगर सरकर्दा लोगों के साथ बैठा बहरी बेड़ों से मुतालिक गुफ्तगू कर रहा था। ये बहरी बेड़े स्पेन, जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के जंगजुओं पर मुश्तमिल थे, और उन बहरी बेड़ों के अंदर इस कदर बड़ा लश्कर चार्ल्स के पास जमा हो गया था कि चार्ल्स ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि अगर इस बहरी बेड़े और इतने बड़े लश्कर को लेकर वो निकले तो दुनिया की कोई ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकेगी। बहरहाल बंदरगाह की एक इमारत में कुछ देर वो बहरी बेड़ों से मुतालिक गुफ्तगू करता रहा। अचानक उसने मौजू बदला और अपने अमीर अलबहर दूरिया की तरफ देखते हुए कहने लगा, दूरिया, मैं, तुम, हुकल और यहाँ बैठे सब लोगों ने बहरी बेड़ों का जायजा ले लिया है, और उन बहरी बेड़ों के अंदर जिस कदर लश्करी है उनको भी हम देख चुके हैं। इस कदर बहरी बेड़ों और उनके अंदर इतने बड़े लश्कर के साथ भी हम खैरुद्दीन बारबारोसा को शिकस्त न दे सकें, उसे जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार न कर सकें, तो फिर मैं समझता हूँ कि हमारे लिए इससे बढ़कर कोई जिल्लत, कोई नाकामी न होगी। इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी जो मुझे लाहक है वो ये कि वो शख्स हमारे काबू में नहीं आता। लोगों का कहना है कि वो एक मामूली कजाक है, समंदर के अंदर छोटी बड़ी कश्तियों के साथ मुतहरक रहता है। यहाँ तक कहते कहते चार्ल्स को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि बीच में कजाकों का सरदार हुकल बोल पड़ा। चार्ल्स को मुखातब करते हुए वो कह रहा था, ये खैरुद्दीन बारबारोसा और उसके साथी आम इंसान और मामूली बहरी कजाक नहीं है। खैरुद्दीन बारबारोसा गो कजाकी में हमसे तजर्बा रखता है, इसलिए कि उसने बहुत थोड़ा अरसा कजाकी में हिस्सा लिया। इसके बाद उसने अपना बहरी बेड़ा बनाकर एक खास मकसद के तहत काम करना शुरू कर दिया, लेकिन वो हमसे कहीं ज्यादा समंदर का भेदी और बहर का महरम है। खुले समंदर में वो यूं ही दुश्मन के मुकाबले नहीं आता। अपने साथियों के साथ अपनी सुर्ख आंखों के अवताकों में शराब और सोच में डूबे अपने दिल के बंवर को लेकर उठता है और बंवर में दुश्मन को डबो देता है। चार्ल्स हुकल की सारी गुफ्तगू का जवाब देना ही चाहता था कि उसका चौबेदार कमरे में दाखिल हुआ और चार्ल्स की तरफ देखते हुए कहने लगा, मालिक, त्यूनस का साबिक हुक्मरान हसन आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहता है। हसन का नाम सुनकर चार्ल्स चौंका था, चौबेदार से हसन को अंदर लाने के लिए कहा। चौबेदार बाहर निकला। थोड़ी देर बाद त्यूनस का साबिक हुक्मरान हसन उस कमरे में दाखिल हुआ। चार्ल्स और उसके सारे साथियों ने उठकर उससे मुसाफा किया। अपने करीब ही चार्ल्स ने उसे बैठने के लिए कहा। फिर चार्ल्स ने उसे मुखातब किया, मुझे ये सुनकर बड़ा सदमा और दुख हुआ है कि सिर्फ चंद हफ्ते कबल खैरुद्दीन बारबारोसा ने तुम्हें भी त्यूनस की हुक्मरानी से महरूम कर दिया है। चार्ल्स जब खामोश हुआ तो हसन ने कहना शुरू किया,
कोई आम इंसान होता तो मैं उसके हाथों कभी शिकस्त न खाता, उसका मुकाबला करता और उसे अपनी सरजमीनों से मार भगाता। लेकिन ये खैरुद्दीन बारबरोसा अजीब और गरीब शय है। ये शैतानों का शैतान, इबलीसों का इबलीस है। मैं समझता हूँ ये इंसान ही नहीं, समंदर की कोई बहुत बड़ी अफरीत है या उसका ताल्लुक किसी गोले बयाबानी से है। अचानक नमूदार होकर हमला आवर होता है और दुश्मन की कमर तोड़ कर रख देता है। आपने देखा, जिस वक्त खुले समंदर में दूरिया के साथ उसका मुकाबला हुआ था, उसने दूरिया को बदतरीन शिकस्त दी। हालांकि दूरिया के पास उससे कहीं बड़ा बहरी बेड़ा था और फिर खुले समंदर में वो दूरिया के पीछे लग गया। दूरिया ने यही समझा कि वो उसके ताकुब में है, लेकिन जो ही सूरज गुरूब हुआ यकदम उसने ताकुब तर कर दिया और इटली के साहल की तरफ बढ़ा। और इटली के साहल के साथ साथ दूर तक उसने तुर्कताज की कि जिसके दौरान उसने बड़े बड़े शहरों और बड़ी बड़ी बंदरगाहों को उसने लूटा और वहां से बेशुमार दौलत समेट कर चलता बना। साहल के साथ साथ किसी को जरूरत न थी कि उसकी राह रोके। हर उस शहर को उसने बर्बाद किया, अपनी मर्जी के मुताबिक हर शहर को लूटता रहा। वहाँ जो दिफाई असाकर थे उसके सामने सर को खम करते रहे और वो दौलत के अंबार से अपने जहाज भरता हुआ वापस लौट गया। लोग यही ख्याल करते रहे कि इटली को लूटने के बाद वो अपने मुस्तकर की तरफ जाएगा, आराम करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एकदम वो मुझ पर वारिद हुआ, मुझ पर वो ऐसे वक्त में हमला आवर हुआ जिस वक्त उसके हमला आवर होने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। मैं अपना दिफा करने में नाकाम रहा, लिहाजा उसने लश्कर का काम तमाम करके त्यूनस पर कब्जा कर लिया। अब मैं आपके पास इसलिए हाजिर हुआ हूँ, इस शख्स का कोई बंदोबस्त किया जाए, मुझे मेरा मुल्क वापस दिलवाया जाए। मैं आपसे अहद करता हूँ कि अगर त्यूनस की हुक्मरानी मुझे वापस मिल गई तो मैं जब तक हुक्मरान रहूँगा आपका मुकर्रर करदा खिराज अदा करता रहूँगा। हसन यहाँ तक कहने के बाद खामोश हुआ, कुछ सोचा, फिर वो दोबारा कह रहा था, स्पेन के अजीम शहंशाह, आपको बारबरोसा पर हमला आवर होने में ताखीर नहीं करनी चाहिए। इब्न काजी की सल्तनत पर वो पहले ही काबिज होकर उसके बेटे को वहाँ अपनी तरफ से वाली मुकर्रर कर चुका है। त्यूनस उसने मुझसे छीन लिया है। अफ्रीका में आपके सालार और वाली मून केट के पास वसी इलाके थे और उन वसी इलाकों से भी बहुत से इलाकों पर खैरुद्दीन बारबरोसा काबिज हो चुका है और अब मुझे उम्मीद है कि वो मून केट के अतराफ में अपना घेराव, अपना हिसार तंग करता रहेगा और ऐसा वक़्त लाएगा कि मून केट को अफ्रीका से निकलना पड़ेगा। जिस वक़्त ऐसा हुआ, याद रखिएगा, उस वक़्त स्पेन और सिसली दोनों खतरात में गिर जाएंगे। मेरा अपना अंदाजा है कि त्यूनस मुझसे छीनने के बाद वो यूं ही नहीं बैठेगा और फिर वो बेकार बैठने का आदी भी नहीं है। शायद बेकार बैठने से उसे खारिश होना शुरू हो जाती है। अब वो किसी न किसी मुहिम का आगाज जरूर करेगा। मेरे ख्याल में इस वक्त उसके सामने अफ्रीका की सरजमीनों में 2-3 मुहिमों से ज्यादा नहीं है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ, उसका अगला हदफ अब बर्बरों का सुल्तान हफ्जी या तिलमसान का बादशाह अबू हमू होंगे। उन दोनों कुवतों को बारी बारी मुती करके खैरुद्दीन बारबरोसा उन्हें अपने सामने घुटने टेकने और सर झुकाने पर मजबूर कर देगा। इसके बाद बाकी कबाइल सोरा का एक छोटा सरदार अहमद बिन काजी रह जाएगा और उसकी खैरुद्दीन बारबरोसा के सामने कोई अहमियत ही नहीं है। उसे तो खैरुद्दीन बारबरोसा लम्हों में उड़ा कर रख देगा। एक बात याद रखिएगा, जिस रोज खैरुद्दीन बारबरोसा ने बर्बरों के सुल्तान हफ्जी तिलमसान के हुक्मरान अबू हमू को अपने सामने जेर कर लिया, इसके बाद खैरुद्दीन बारबरोसा के सामने सिर्फ एक ही सवालिया निशान रह जाएगा और वो अफ्रीका में आपका सालार मून केड होगा। हमू और हफ्सी को जेर करने के बाद खैरुद्दीन बारबरोसा मून केड पर हमला आवर होने में ताखीर से काम नहीं लेगा और जिस रोज उसने मून केड को शिकस्त देकर वहां से निकाल दिया या उसका खात्मा कर दिया तो फिर आप लोगों के लिए अफ्रीका के अंदर पांव जमाने का काम इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन होकर रह जाएगा। अपने इन्हीं तजर्बात की बिना पर मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आप अफ्रीका की तरफ ध्यान दें। आपके पास बहुत बड़ी कुवत है, खैरुद्दीन बारबरोसा पर हमला आवर हों। आपके तहत 7 मुल्क हैं जहां से आपको कमक और रसद मिल सकती है। जहां तक खैरुद्दीन बारबरोसा का ताल्लुक है, उसे रसद तो मिल सकती है लेकिन कमक नहीं, इसलिए कि रसद उसे तुर्कों का सुल्तान सुलेमान पहुँचा सकता है, लेकिन सुलेमान के पास बहरी जहाज नहीं है जिन्हें वो खैरुद्दीन बारबरोसा की तरफ बेचकर उसकी ताकत और कुवत में इजाफा कर दे। इसलिए कि तुर्की हुकूमत के पास जिस कदर बहरी जहाज थे वो पहले ही सुल्तान सुलेमान ने खैरुद्दीन बारबरोसा के हवाले कर रखे हैं। समंदर के अंदर खैरुद्दीन बारबरोसा को एक बार जेर कर लिया जाए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हस्पानिया और सिसली के अलावा इटली और दीगर यूरोपीय ममालिक के जितने साहिल हैं सब महफूज हो जाएंगे।
हसन जब खामोश हुआ तब उसकी तरफ गौर से देखते हुए चार्ल्स कहने लगा, तुम्हारा कहना यकीनन दुरुस्त है। बारबरोसा के हाथों हमारे अमीर अलबहर दूरिया की शिकस्त से हमें इतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान इस खैरुद्दीन बारबरोसा ने इटली के साहली शहरों पर हमला आवर होकर वहां लूट मार करते हुए पहुंचाया। उसने एक नहीं अनगिनत शहरों को लूटा। बड़े बड़े पुराने और कदीम खजानों को उसने अपनी बहरी जहाजों में मुंतकल कर दिया और ये खजाने अगर उसने तुर्की के सुल्तान की तरफ नहीं भिजवा दिए अलजजायर में ही किसी महफूज जगह रखे तो वो हम उससे छीन कर रहेंगे। इटली के साहली शहरों की लूटमार और तुर्कतास और बर्बादी से भी बढ़कर उसने हमें कई नुकसान पहुंचाए। अभी हाल ही में उसने नई दुनिया से आने वाले काफिलों को लूटा। ये दो मुतहदा काफिले थे, एक हमारा और एक इंग्लिस्तान वालों का, मगरब के दूर अफ्तादा समंदरों के अंदर। उसके सालार उसके मलाह उन बहरी काफिलों पर हमला आवर हुए। नई दुनिया से आने वाले सारे मलाहों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। जिस कदर सामान और दौलत से भरे हुए उनके पास जहाज और कश्तियां थी सबको वो हांकते हुए अपने मस्कन की तरफ ले गए। यहां तक कहने के बाद चार्ल्स रुका, कुछ सोचा, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, अगर बारबरोसा खुले समंदर के अंदर इसी तरह हमें नुकसान पहुंचाता रहा और किसी ने भी उसकी राह न रोकी तो उन करीब वो वक़्त आएगा कि सिर्फ स्पेन ही नहीं बल्कि दूसरे बहुत से यूरोपीय ममालिक की मईशत को तबाह बर्बाद करके रख देगा। इस वक्त दुनिया में दो बड़े खतरात उठ रहे हैं, एक खुश्की पर तुर्कों का सुल्तान सुलेमान, दूसरा समंदर के अंदर खैरुद्दीन बारबरोसा और उसके साथी। चार्ल्स मजीद कुछ कहना चाहता था, इस मौका पर हसन बोल उठा, चार्ल्स को मुखातब करके कहने लगा,